बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट टू चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं विद आंसर्स। तो हमारे पास 18.1 सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये कहता है हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एन टाइप सब्सटेंसेस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ होल्स इन अ पी टाइप। एन टाइप में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एज वी नो दैट द मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सब्सटेंसेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं एन टाइप्स में फ्री इलेक्ट्रॉन एट मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सब्सटेंसेस। पी टाइप में कौन से होते हैं होल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बोथ इलेक्ट्रॉन और होल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंसेस इज मच फास्टर देन द मोशन ऑफ होल्स इन अ पी टाइप। अगर हमने बैटरी लगाई हुई है और ये हमारे पास एन ओ पी टाइप हैं कनेक्ट किए गए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। उसके बाद द मोशन ऑफ एन टाइप सब्सटेंसेस इज मच फास्टर, जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होल्स। उसके बाद 18.2 है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंसेस। एन टाइप और पी टाइप पे जो इलेक्ट्रिकली सब्सटेंस होता है वो न्यूट्रल होता है। पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल since they are made as a result of combination of atom of intrinsic semiconductors and atoms of impurity. Atoms as whole is neutral, therefore there is a no net charge on p-type or n-type substances. उसके बाद हम बात करते हैं 18.3 की। अगर हम 18.2 में थोड़ा सा रिव्यू करें तो हम एक चीज़ देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली पूछा है, एज अ होल पूछा है तो न्यूट्रल होगा। अगर हम उसके अंदर बात करें तो नेगेटिव चार्जेस मेजोरिटी में होते हैं और माइनॉरिटी में कौन होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, और पी टाइप में जो मेजोरिटी में होते हैं जो ज़्यादा होते हैं वो होल्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद 18.3 द एनोड ऑफ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड इज़ इट फॉरवर्ड बायस। ये पी है ये एन है, इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ, लेकिन बैटरी होती है 0.2 वोल्ट की, कहता है वो फॉरवर्ड बायस है। यस होगा तो फॉरवर्ड बायस, लेकिन किसी किस्म की कोई कंडक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर बैरियर ब्रेक करना है जर्मेनियम के केस में 0.3 होता है, सिलिकॉन के केस में 0.7 होता है, तो ये 0.7 और 0.3 से तो कम है, लेकिन ये जो सर्किट कनेक्ट है ये फॉरवर्ड बायस है। वो कहता है पॉजिटिव का नेगेटिव के लिहाज से 0.2 वोल्ट है, क्या ये फॉरवर्ड बायस है? इफ़ द एनोड ऑफ डायोड इज हायर पोटेंशियल वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू कैथोड सो पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, लेकिन कोई कंडक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल उनके पोटेंशियल बैरियर से कम है, जर्मेनियम का 0.3 होता है और सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.7 होता है। अब 18.4 देखते हैं व्हाई चार्ज कैरियर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में क्यों चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही पी और एन टाइप्स के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो ये आपस में मिल के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे तो हम कहेंगे कि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इन पी एन जंक्शन एन रीजन कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पी रीजन कंटेन होल्स, एज इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन ड्यू टू देयर रेंडम मोशन डिफ्यूजिस इन टू द पी रीजन। डिफ्यूज का मतलब होता है मिल जाना, तो एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफ्यूजन द रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक प्लेस विद इन द डिप्लीशन रीजन। सिंस द चार्ज कैरियर्स आर रिमूव्ड, चार्ज कैरियर्स क्यों रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ मिलकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए, सो चार्जलेस रीजन इज फॉर्म विद चार्ज कैरियर नॉट प्रेजेंट, सो डिप्लीशन रीजन हैज नो चार्ज कैरियर्स। उसके बाद 18.5
What is the effect of forward and reverse biasing of diode on the width of depletion region? अब forward bias में क्या होता है? Depletion region जो बना होता है, ये P है, ये N है. यहाँ पे जो होल्स जा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में वी कंबाइन होंगे. अब अगर हम इसको बाइस करते हैं बैटरी के साथ, तो होता ये है कि ये इस पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिला, नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा फॉरवर्ड बाइस में, तो इसका डिप्लीशन रीजन नैरो होता चला जाएगा. लेकिन रिवर्स बाइस में उसका जो बैंड होगा या उसकी विड्थ होगी वो इंक्रीज होती चली जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बजाय के रिपल्शन हो, यहाँ पे अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी. तो व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, व्हाइल व्हेन डायोड इज रिवर्स बाइस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज. तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो यहाँ तक हम अपनी वीडियो कंक्लूड करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ. और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.